hard to breathe, but that's alright. Hush. कस्टमर थे तो हम सबको भी कोरोना वायरस हो जाए। अरे भाई ये कोरोना वायरस अब कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एनआरसी है। अब अल्लाह जिसे चाहेगा उसकी दुनिया में रखेगा, जिसे चाहेगा उसे अपने पास बुला लेगा। अल्लाह से डर ये अकेला नहीं है भाई, इसके जैसे और भी जाहिल लोग हैं जो बार बार यही बात कह रहे हैं कि अल्लाह फैसला करेगा कौन रहेगा कौन जाएगा। अल्लाह ताला हमारा बहुत बड़ा गफूरुल रहीम है, उसने कोरोना वायरस को भेज दिया है इसलिए कि जो हम लोगों पे जुल्म ढा रहा है ना उसी को अल्लाह ताला बुलाएगा करेगा कौन रहेगा कौन जाएगा। अब इन जैसे चूतियों को कोई बताए कि एनआरसी का मैटर सिर्फ इंडिया का है, ईरान तुर्की मलेशिया पाकिस्तान इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में कौन सी एनआरसी है, वहाँ के लोग सच्चे मुसलमान नहीं है क्या? वहाँ अल्लाह अपने ही लोगों की जान क्यों ले रहा है, सिर्फ काफिरों की क्यों नहीं? हर है वेंचर। अब भाई इसकी सुनो, लेकिन सुनने से पहले किसी कुत्ते की खाई हुई झूठी प्लेट का इंतजाम कर लो। हाँ भाई सुनो, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बंदे को कोरोना वायरस हो जाए ना तो जिस थाली में कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना। अब इस अल्लाह के बंदे से कोई पूछे कि ईरान तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरब इंडोनेशिया जैसे देशों में अब तक 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस निकल चुके हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ये सभी देश मुस्लिम देश हैं, क्या वहाँ के लोग सच्चे मुसलमान नहीं? क्या वहाँ के लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते? वहाँ क्यों कोरोना वायरस तांडव मचा रहा है? अब भोसड़ी के कुत्ते की थाली में खाते हुए वीडियो पोस्ट ना किया तूने तो तू सच्चा मुसलमान नहीं। कोरोना हमारे कुरान से निकला है, कोरोना माने कुरान। समझे भाई, कोरोना कुरान से निकला है, कोरोना माने कुरान। कोरोना हमारे कुरान से निकला है, कोरोना माने कुरान। इसकी बातें सुनकर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने की वजह से फजीहत झेल रहा चीन का पीएम सी जिनपिंग भी कहेगा थैंक यू। अब भाई अगर कोरोना कुरान से निकला है तो यानी अब तक कुरान ने 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 6,00,000 से ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के बंदे खुद कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, जब दूसरा कोई कहता है कि इंसानियत का दुश्मन इस्लाम है तो भाई इन्हें मिर्ची क्यों लग जाती है, जबकि इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन तो इन जैसे लोग ही हैं जो फालतू की बकचोदी से बाज नहीं आते। अब एक नजर डालते हैं अल्लाह के बंदों पर कि वो कोरोना वायरस को लेकर क्या सोचते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कोरोना वायरस जो एक खतरनाक बीमारी समझा जाता है और ये है भी खतरनाक, लेकिन खतरनाक इस लिहाज से है, खतरनाक इस लिहाज से है कि दूसरे को लगने में ये बहुत जल्द लग जाता है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि क्या सही बात बोल रहा है ये बंदा, लेकिन अभी आगे सुनो। लेकिन इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है और डोडा अफीम बोस जिसको कहा जाता है उसका 2 दाने कावे में डालकर के पीने से फौरन कोरोना गायब हो जाता है। और ये कोरोना कोई नया बीमारी नहीं है, हमारा इलाके में ये कोरोना हर साल सर्दियों के मौसम में आता है और कमजोर लोगों पर हमला कर जाता है। ये भोसड़ी वाला खुद चरस फूंक के आया है और जान चौद रहा है कोरोना वायरस पर, और इस अल्लाह के बंदे ने तो सारी हद ही पार कर दी। इसने तो कोरोना वायरस की ऐसी कहानी सुना डाली कि सुन के कोरोना वायरस भी कहेगा बाहर है भोसड़ी वालों। कि ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तुम कौन है? उसने कहा मैं हूँ कोरोना वायरस। उसने कहा जहाँ चीन के अंदर वाहन के अंदर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया ज्यादती। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे तो वही पड़ गए। हो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, सेकंड यार मजाक हो रहा है। मैं पानी पी रहा हूँ ना, मुझे पिला। अरे झूठा पानी पी रहा है, इसको कोरोना वायरस है।
हर मोमिन मुसलमान भाइयों का जूता खाने से या पीने से शिफा मिलती है, नहीं कोई वायरस। इन जैसे झोपड़ी वालों को इकट्ठा करके दो चार कोरोना वायरस पेशेंट के साथ रूम में बंद करके छोड़ देना चाहिए ताकि शिफा थोड़ा अच्छे से मिले। भाई दुनिया भर के सभी धर्मों के लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस महामारी को हल्के में ना लें, अफवाह ना फैलाएं, सुरक्षित रहें ताकि दूसरे सुरक्षित रहें। और हाँ, एक और बात, ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। भाई वीडियो को लाइक करो ना करो, वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों को सच्चाई का पता चले और जो झोपड़ी वाले ऐसी झूठियां पंती फैला रहे हैं उनको अपनी औकात का पता चले ताकि वो दोबारा ऐसी अफवाह ना फैलाएं। और अगर तुमने अफवाह फैलाना और चूतिया पंती बंद नहीं की तो तुम्हारी कह के लूंगा। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।